उनके कस्टमर सर्विसेज कैसे चल रही हैं, इसकी बाकायदा SOPs यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर यह तक बताया जाता है कि जी आपने कितनी दफा और कब कब स्माइल करना है। और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा इसकी अवेयरनेस की जरूरत है। कभी कस्टमर सर्विस के बारे में पढ़ा है आपने? कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनीज के अंदर। हर कोई कोशिश करता है कि कस्टमर सर्विस अच्छी से अच्छी दें, लेकिन अवेयरनेस पहले से नहीं है। और अवेयरनेस के लिए क्या करें, कोशिश करें बाहर मुल्कों के जो बिजनेसेस हैं बड़े बड़े उनको स्टडी करें, उनके कस्टमर सर्विसेज कैसे चल रही हैं, वो कैसे ऑफर करते हैं, वो कैसे मेक श्योर करते हैं कि उनके कस्टमर्स खुश हों। इसकी बाकायदा SOPs यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनते हैं जो वो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कस्टमर केयर के डिपार्टमेंट के लोगों को ऑफर करते हैं या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं कि जी आपने ये SOPs के थ्रू लोगों को हेल्प करनी है। इनफैक्ट यहां पर ये तक बताया जाता है कि जी आपने कितनी दफा और कब कब स्माइल करना है, किस तरह सलाम या ग्रीटिंग्स बोलनी है और किस तरह आपने उनको आगे उनके मसले को हल करना है, इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। देखें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरह से कस्टमर सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। और पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा इसकी अवेयरनेस की जरूरत है कि हमें अपने बिजनेस में, चाहे वो ई कॉमर्स हो, रिटेल हो या कोई किस्म का सर्विस बिजनेस हो, हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है और कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अच्छे कस्टमर सर्विस आप देंगे तो वही कस्टमर आगे जाके लोगों को बताएगा कि जी मैंने इनसे सर्विस या प्रोडक्ट खरीदी और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अगर उसका एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा फिर तो उसने दुनिया को जाके बताना है कि जी मेरा यहाँ पे बैड एक्सपीरियंस हुआ है। और इसी यही वो चीज़ है जो आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा हर्ट करती है और आपके बिजनेस की सेल्स को ड्रॉप करेगी। कोशिश करें कस्टमर सर्विस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें, SOPs बनाएं और उसके ऊपर ध्यान दें।